बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से। विकास की बात करिएगा, बच्चा बच्चा जानता है। कार्रवाई कब होगी ये तो बता दीजिए। यहाँ के स्वीपर वहाँ का कचरा उठा रहा है, इससे आप अब झाड़ू में आ गए। भाजपा सरकार का बहिष्कार करेंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर, माहौल क्या है, कौन है? यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा मैडम, सुबह भ्रष्टाचार के, वास्तव में भाजपा के नेताओं ने और सारे भाजपा के लोगों ने मिलकर खाया है, मिलकर लूटा है इस देश को। बाबा बदला होगा या बीजेपी? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। क्यों बाबा, बदला होगा या बीजेपी? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। क्या कहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस। मैडम बीजेपी आएगी, अगर कांग्रेस वालों को जो कहती थी जी विपक्ष ने इतनी साथ करा है, चोट डोरों के जिनके साथ लड़ती थी, आज वो सत्य हो गए हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो साइकिल हो, आज क्यों इकट्ठे हो गए? इसलिए हो गए हैं कि उनको दबदबा लग रहा है कि हमारी सीट, कहीं भी चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो कहीं 5 आती है, कहीं 7 आती है, कहीं 10 आती है। क्यों? जहाँ जहाँ सत्ता चलाती, जहाँ विधायक के साथ 28 है, इनके साथ 38 है, 38 दलों का करा है, 38 दलों का, 38 दलों का। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक ही ट्रेंड को मिलता है पैसा इनको, क्योंकि इनका 50% कमीशन जाता है इनके पास से, जे उनकी बोलेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 20 साल से इनका ट्रेंड लगता है हर सरकारी कार्यक्रम में, और 5 लाख का ट्रेंड होता है, 20 लाख रुपए का बिल बनता है। जे भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, आम पब्लिक नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की बात, ऐसे लोग करेंगे बात। आज दिल्ली में पूरे मध्य प्रदेश, पूरे दिल्ली चले जाओ, पूरी जितनी भी पार्टियां थी क्यों एक हो गई? उनको क्या डरता जो कांग्रेस का विरोध करता है? ये बताओ जो साइकिल कांग्रेस का विरोध करते थे आज क्यों एक हो गए? कुछ तो डर है ना, हिंदुस्तान से उखड़ने वाला है। मोदी जी की तानाशाही, मोदी जी की निरंकुशता, अत्याचार। 38 है, 38 एनडीए के साथ 38 है। दिल्ली से आई हम आपको बता दे रहे हैं, 170 सीट से 150 एक भी कम हो जाए तो आप दोबारा सुनवाई यहाँ के बताए और लेके जाए किसी मंच से कि 170 सीट आएगी बीजेपी की मध्य प्रदेश में। 70 100 माइनस 70 70 तक की गारंटी हम दे रहे हैं, 70 की दे रहा है, 70 की दे रहा है। जिस देश में रह रहे हैं भारत कहने में शर्म आ रही है, जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम सम्मान नहीं ले पा रहे, भारत नहीं कहते, इंडिया कह रहे हैं। भाई आपने इंडिया की बात की, क्या संविधान में इंडिया नहीं है? संविधान बिल्कुल इंडिया है, लेकिन भारतीय संविधान जो बनाया है, हमने माननीय हमारे मोदी जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश और संविधान मोदी जी के नेतृत्व में बना, संविधान हमारे मोदी जी के, देश हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है लगातार विश्व में मान बना। इंडिया की बात की आपने, इंडिया की बात की? हाँ, तो इंडिया कह रहा है ना, लेकिन हमारे साथियों को शर्म लगती भारत कहने में। ढोरों की पार्टी है, हाँ, इंडिया और भारत, भारत और इंडिया, आपने संविधान पढ़ा है? भारत है, भारत पार्टी है, भारत देश है, भारत हमेशा विकास कर रहा है। पहले भारत नहीं था क्या? पहले भारत नहीं था? इंडिया इन्हें बनाई क्या? उन्होंने वो किया, गुलामों से छुड़वाया, ठीक है, रेलवे बेच दी, एरोड्रोम बेच दिए, तहसील बेच दी, थाना बेच दिया, आज सब कमीशन, बेच रहे नहीं बेच रहे मैडम, इधर चलो कहा कमीशन कराना, बेचे बेचे ये सब चीज नहीं बेची। इंडिया की बात हम कर रहे हैं, अभी भारतीय टीम खेल रही थी, उसकी टी शर्ट पे इंडिया लिखा था, सरकार इनकी है, अमित शाह का लड़का विदेश सेक्रेटरी है, टी शर्ट उतरवाते थे इंडिया की, इन्होंने नारे किसने दिए थे? वो नारे याद है आपको, कितने नारे दिए थे, कौन कौन से इंडिया, मेक इन इंडिया, फॉक इन इंडिया, है ना, और मूर्ति शंकराचार्य की कहां से बनवाते हैं नारा देने के बाद? चाइना से। जे राष्ट्र, जे नकली देशभक्त हैं, जे फर्जी राष्ट्रभक्त हैं, जैसे कि नगर पंचायत के फुटपाथ के ऊपर कोई व्यापारी दुकान लगा लेता है, लेकिन जब असली उसका मालिक आता है, जब उसको वहां से उठाता है, इन्हें तकलीफ होती है। जे अतिक्रमण किए हुए हैं, इनका इतिहास देखो अंग्रेजों के जमाने में, जे माफी वीर थे, इन्होंने कभी देश का साथ नहीं दिया, ना आजादी से पहले दिया और ना आजादी के बाद दिया। जितने भाषण होंगे कांग्रेस वाले पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से, बहुत मोहब्बत है भागे आतंकवादियों से, क्योंकि जितने हमले हुए हैं आज तक के इतिहास में, चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हुआ हो, चाहे अक्षरधाम हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, कांग्रेस के शासन में हिम्मत नहीं थी उन आतंकवादियों की। ये नकली, और सुनो, और सुनो, जब इस देश की मुफ्ती की मोड़ी का अपहरण हुआ तो आतंकवादियों का जो महागुरु था कौन, मसूद अजहर, उसको इनकी भारतीय जनता पार्टी का विदेश मंत्री कंधार तक छोड़ने गया था। जो नस्ली देशभक्तों से पूछो, हम कह रहे मर जाते हमारे देश के लोग, लेकिन आतंकवादी भारत की जेल से नहीं लिया होना चाहिए था, क्योंकि इतनी मोहब्बत है, इतना प्रेम है पाकिस्तान से और आतंकवादियों से, क्यों?
क्योंकि इनकी सत्ता जो जीवित है वो पाकिस्तान के नाम पे और आतंकवादियों का डर दिखा के जीवित है। वो जब जब चुनाव आते हैं भारत के अंदर तब तक आतंकवादी हमला कश्मीर के अंदर, देखो अभी 6 दिन इनकाउंटर चला, क्योंकि जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं मोदी जी ताबड़तोड़ फैसला करते, कुछ नहीं करते, बदला ले लेते हैं। ये काम इसीलिए ऐसा करते हैं, ये पहले हमला करवाते हैं उसके बाद कुछ नहीं करते, नकली पिक्चर बनाते हैं, जैसे नकली काल्पनिक पिक्चर होती है वैसी पिक्चर बनाते हैं ये किसी देश के ऊपर हमला करने की। और कोई अगर आरोप लगाए तो उसको कहते हैं देखो ये सबूत मांगता है। अरे सबूत, फूल होंगे तो खुशबू होगी, इतर होगा तो खुशबू होगी, क्योंकि इतिहास है जहां जहां भी जो चीज होती है उसका असर होता है। ये बेअसर करते हैं चीजों को, चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ये नकली देशभक्त है, ये नकली देशभक्त, इनसे पूछो आजादी से पहले इनके यहाँ स्वतंत्र संग्राम। आज जीरो टॉलरेंस नीति पे काम हो तो जवाब देने का अगर काम किया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया है, बालाकोट को हमला किया है, आज भी हमारे साथी बोल रहे हैं 6 दिन में कितने आतंकवादियों को ढेर गिरा, आप पूछिए इनसे, जीरो टॉलरेंस नीति पे आज काम कर रहा है। कहां थे आतंकवाद, कहीं भी आया, अभी हम कहेंगे तो कहेंगे सेना के चार जवान शहीद हुए हैं और तुरंत मोदी जी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करवा। अरे तो 4 शहीद हुए हैं ना, तो 4 हुए, हमने बदल लिया इनकाउंटर, तो मोदी जी लड़ने गए थे क्या, हमारे जवान लड़ रहे थे, अगर मान लो मोदी जी और रफेल जैसे हथियार हमारे पास है, मिसाल चंद्रयान जैसे, तो ये माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, हमने किया, खुदा हमने किया, कांग्रेस क्यों नहीं लाई सबसे 70 साल में क्यों नहीं लाई, कह रहे आप कांग्रेस से पूछिए, आज मोदी सरकार में कांग्रेस के नाम होता था, आज दलिया कोई भी दंगा पसंद नहीं होता, आज आंख बताने से पाकिस्तान डर जाता है, पाकिस्तान में दंगा पसंद पूरे बंद हो गया, पहले पाकिस्तान डरता नहीं था, डरता है। एक मिनट देखो आ गया पाकिस्तान का नाम, बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से। ये जो राफेल की बात करते हैं, राफेल का सौदा किसके शासन में हुआ, मनमोहन सिंह ने किया 16 करोड़ में कराना, इनसे पूछो कितने में आया, इनसे पूछो कितने में आया, पर्दे के पीछे काम होता था, पर्दे के पीछे। मैं ये कह रहा हूँ 70 साल पहले हमने आपको राज कराया, 18 साल से हमारी सरकार है, विकास की बात करिएगा हर विधानसभा में आप विकास के नाम पे डर जाते हैं, दूसरे मुद्दे उठा लेते हैं, आइए विकास की दर में तुम उठा रहा हो, दे डर गया, ये तो घर के उस नाकारा लड़के की तरह है जो जिंदगी भर माँ बाप का खाता है और लास्ट में कहता है कि मेरे लिए कुछ नहीं दिया। तो कांग्रेस सरकार ने 70 साल में ये देश को कहां से कहां पहुंचा है और आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, ये तो उस नाकारा बेटे की तरह है और मोदी के झूठे गुणगान करके मोदी आज ये स्थिति में ला दिया है देश को कि सिर्फ भाईचारा सारा खत्म है और आपस में लड़ रहे हैं लोग। मोदी ने 20 की अध्यक्षता की 20 देशों में, उससे आपको क्या फायदा होगा, हमें फायदा है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं जी, 20 से आपको क्या फायदा है, बहुत फायदा है जी, 20 आने से भारत पूरे भारत देश खुश है जी, 20 से भाई साहब क्या फायदा है, एक नंबर फायदा है, भारत देश ऊपर तक पहुंच रहा है, पेंटी रामपाल जी को यहाँ का बच्चा जानता है और रामपाल जी जो विकास किया सिलवानी में उसके विकास। देखिए समय के साथ प्रकृति ही परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन होगा, विकास और विस्तार होगा, लेकिन हम जुमलाबाजी किसी भी प्रकार की करते हैं तो आप देख लिए, आप बात कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में बहुत विकास और विस्तार हो रहा है, मैंने एक केस लड़ रहा हूं अभी भी जो कि 145 तालाब इस ब्लॉक के अंदर आए थे, उसमें से एक का भी निर्माण नहीं हुआ और उसके खिलाफ हमने केस किया है, तो आज तक किसी के ऊपर FIR नहीं हुई है और केस नहीं हुआ, माननीय अभी कलेक्टर महोदय के पास वो केस पड़ा हुआ है। आप बात करते यहाँ से शासन व्यवस्था पर क्या कहेंगे भाई साहब, आप सुशासन की व्यवस्था ठीक चल रही है, आप नियम अनुसार कार्रवाई आवेदन है, कार्रवाई हो रही है और कोई भी दोषी नहीं बचेगा, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीति है, सभी पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी ये तो बता दीजिए, क्या एक कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी 181 पर कॉल करके हर एक काम सॉल्व हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता, आदमी आज ऑनलाइन 100 डायल ये किसने चलाई है, 81 पर कॉल करके सिर्फ नालियां साफ हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर विकास की बात आई है तो मैं एक विकास पे बहुत बड़ा मुद्दा है जो बोलना चाह रहा हूँ, विकास की ये स्थिति है कि सिलवानी नगर पंचायत है ना, यहाँ का नगर पंचायत का वाहन तहसील सिलवानी तो छोड़ो, विधानसभा सिलवानी तो छोड़ो, विधानसभा उदयपुरा में
माननीय विधायक महोदय की केवट पिपरिया में नालियां साफ हो रही है और यहाँ के स्वीपर वहाँ का कचरा उठा रहा है। इससे बड़ा विकास मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो सकता। आप अब झाड़ू में आ रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। कांग्रेस के पास तो झाड़ू की बात कर रहे हैं आप, देखिए ना। और क्यों विकास कर रहे हैं? मैं उदयपुर गया था, इससे बड़ा विकास होगा? डॉक्टर है, पूछ लेना स्वास्थ्य की, कितने डॉक्टर है, कितने होना चाहिए? महिला डॉक्टर है। जब सिविल हॉस्पिटल बना है तो डॉक्टर की व्यवस्था भी होगी और अत्याधुनिक मशीनें भी आएंगी। मौजूदा समय में आप समुदाय आपका जो सिविल हॉस्पिटल है उसका काम लगा हुआ है, आप देखिए 53 समय में नहीं है। मौजूदा समय में है डॉक्टर, दो डॉक्टर है, दो डॉक्टर कितने होना चाहिए, कितने होना चाहिए? महिला डॉक्टर भी है, महिला पदों के सृजन हो चुके हैं। महिला डॉक्टर का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, महिला डॉक्टर का नाम बताओ। पूरा महिला की नर्सिंग स्टाफ है और पूरी तमाम प्रकार की सुविधा दी जा रही है। सिलवानी को अगर जिला नहीं बनाया माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सिलवानी की जो 7 तहसीलें हैं 60 किलोमीटर के अंदर आ रही है, सिलवानी को अगर जिला नहीं बनाया तो भाजपा सरकार का बहिष्कार करेंगे, काले झंडे भी देंगे, अभी काले झंडे भी दिखाएंगे। और सब तो दे दिया भाजपा ने, अभी भी बाकी है। अरे सिलवानी को जिला बनाए कोई, जब इन्हें इतना ही नहीं मालूम कि सिलवानी में लेडीज डॉक्टर नहीं है, अब ये कह रहा है तो नाम पूछो, नाम पूछो, नाम बताओ। सारा महिला नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, चाहिए इलाज करवाने। तो ये सिलवानी विधानसभा जो मध्य प्रदेश में आता है और यहाँ की आम जनता के मूल मुद्दों पर हमने बात की, समझने की कोशिश की कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के सरकार में यानी डबल इंजन की सरकार में क्या कुछ हो रहा है, क्या माहौल है मध्य प्रदेश की जनता के बीच। भाजपा यह बदलाव आपने देखा सीधे तौर पर आम जनता के बीच से देखते रहे मेरी प्रताप।